हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेस्टिंग बादशाह। मैं हूं यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे शील्ड ब्रदर की बड़ी अपडेट के बारे में एंड रे मिस्टीरियो के रिटायरमेंट प्लान्स के बारे में भी। दोस्तों, आखिर कौन सी बड़ी अपडेट आई है रिगार्डिंग शील्ड ब्रदर्स, सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस, एंड आखिर क्या प्लान्स है रे मिस्टीरियो को ऑन मंडे नाइट रॉ, ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेस्लिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के जो बाजू में बेल आइकन है उसे क्लिक करके ऑल पर क्लिक करिए, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके जैसे हम अपलोड करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वीक के मंडे नाइट रॉ के लिए दो बहुत बड़ी मैचेस बुक हो चुके हैं। जैसे आपको पता है कि इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ में अपोलो क्रूज ने हरा दिया है एंड्राडे को, और अभी अपोलो क्रूज बन चुके हैं न्यू US चैंपियन। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीक के रॉ में अपोलो क्रूज अपना US चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे उनके चॉइस किए गए ओपोनेंट के खिलाफ। तो अभी ये देखना है हमें कि आखिर अपोलो क्रूज किसे सिलेक्ट करते हैं फॉर US चैंपियनशिप शॉट। मेरे हिसाब से वो कोई बेबी फेस हो सकता है। तो लेट्स सी नेक्स्ट वीक हमें कौन सी मैच देखने मिलती है अगेंस्ट अपोलो क्रूज फॉर US चैंपियनशिप। जो दूसरी मैच बुक हुई है वो है एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच। रॉ वुमेन्स चैंपियन आस्का बैटल करेंगी NXT वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फ्लेयर के साथ। तो ये एक अच्छा खासा बैटल हमें देखने मिलेगा बिटवीन टू टॉप चैंपियंस। तो लेट्स सी कौन होता है विक्टोरियस इस मैच में। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट बड़ी अपडेट के बारे में जो जुड़ी है रे मिस्टीरियो के रिटायरमेंट एंगल से। दोस्तों, नेक्स्ट वीक के रॉ में WWE ये प्रमोट कर रहे हैं कि रे मिस्टीरियो का एक रिटायरमेंट एंगल होने वाला है, पर हमें अपडेट ये मिली है कि ये बस एक स्टोरी लाइन का पार्ट होगा। और दोस्तों, यहाँ पर एक बात नोटिस करने जैसी है कि जब सेथ रॉलिंस ने प्रोमो कट किया था तभी उन्होंने एक नेम ड्रॉप किया था, और वो नेम था डोमिनिक मिस्टीरियो का। तो दोस्तों, PW इंसाइडर ने रिपोर्ट दिया है कि WWE किसी भी सुपरस्टार का नाम यूं ही नहीं लेते हैं, कुछ अगर मीनिंग होता है तभी वो इंक्लूड करते हैं उनके शोज में। तो अभी सेथ रॉलिंस ने नाम लिया है डोमिनिक मिस्टीरियो का, तो ये हो सकता है कि WWE डोमिनिक मिस्टीरियो को इन्वॉल्व कर सकती है इस सेथ रॉलिंस एंड रे मिस्टीरियो के स्टोरी लाइन में। और ये स्टोरी लाइन जो है वो थोड़ी सी सिमिलर हो सकती है ब्रॉक एंड रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक के स्टोरी लाइन से। हमें शायद ये देखने मिल सकता है कि सेथ रॉलिंस तोड़ के रख सकते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को, और फिर डोमिनिक मिस्टीरियो को इंजर्ड होते हुए देख रे मिस्टीरियो अपने रिटायरमेंट से वापस आकर सेथ रॉलिंस को तोड़ सकते हैं या फिर उनके साथ एक मैच कर सकते हैं, मे बी एट बैकलैश पे-पर-व्यू। तो फिर हमें देखना होगा कि WWE ये एंगल कैसे बुक करती है नेक्स्ट वीक के रॉ में। तो चलिए अब बात करते हैं मेगा अपडेट के बारे में जो जुड़ी है शील्ड ब्रदर्स से। जैसे आपको पता है कि ऑन स्क्रीन सेथ रॉलिंस एक हील है और रोमन रेंस ऑन स्क्रीन एक बेबी फेस है, बट अभी रोमन रेंस कुछ टाइम के लिए टाइम ऑफ ले चुके हैं WWE से, क्योंकि उन्हें अपने किड्स को प्रोटेक्ट करना है और अपने फैमिली के लिए टाइम देना है। इसी के ऊपर सेथ रॉलिंस ने एक कमेंट दिया है। सेथ रॉलिंस ने ये कहा है कि रोमन रेंस को ट्विंस होने वाले हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। ये रोमन रेंस को सेकेंड सेट्स ऑफ ट्विंस होंगे, ये काफ़ी क्रेजी बात है, और मैं किसी से अब तक ऐसा मिला नहीं हूँ जिसे टू सेट्स ऑफ ट्विंस हो बैक टू बैक, और रोमन रेंस वो पहले इंसान है। और मैं काफ़ी फॉर्चुनेट महसूस करता हूँ कि ये न्यूज़ मुझे अ वाइल्ड बैक मिली है, और ये काफ़ी अच्छा हुआ कि रोमन रेंस ने आकर एक्सप्लेन किया कि वो टाइम ऑफ क्यों ले रहे हैं WWE से। अभी रोमन के पास 5 बच्चे होंगे जो घर पे खेल रहे होंगे, प्लस रोमन रेंस अपने वाइफ को भी हेल्प कर रहे होंगे, और वो मेक श्योर कर रहे होंगे कि उनकी पूरी फैमिली जो है वो सेफ रहे। तो ये काफ़ी ऑसम है, एंड अभी ऐसा लग रहा है कि अभी हर कोई डैडी वाले मूड में है। इसका मतलब दोस्तों ये था कि रोमन रेंस उनके भाई है, उन्हें भी ट्विंस होने वाले हैं, और सेथ रॉलिंस की जो फियांसे है बैकी लिंच वो भी अब प्रेग्नेंट है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि दोनों शील्ड ब्रदर्स डैड बनने वाले हैं। तो दोस्तों, ये था सेथ रॉलिंस का कॉमेंट ऑन रोमन रेंस इज एब्सेंस। हम तो बस होप करते हैं कि रोमन रेंस बहुत जल्द वापस आ जाए एंड जुड़ जाए स्मैकडाउन के रोस्टर से एंड कम्पीट करे फॉर टॉप चैंपियनशिप्स। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए फर्स्ट, आप कितने एक्साइटेड हैं नेक्स्ट वीक के रॉ के लिए, एंड सेकेंड, आपका क्या रिएक्शन है सेथ रॉलिंस के कॉमेंट्स पर ऑन रोमन रेंस। सो गाइस, प्लीज 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 लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेस्लिंग बादशाह। पीस आउट।